सो गाइस, क्या आप भी चाहते हैं कि आप लोग अपना फोटो को कुछ इस टाइप से एडिटिंग कर सकें? तो देन गाइस, आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो देन गाइस, इस तरह की फोटो एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। तो देन गाइस, अगर आप लोगों को इस तरह का फोटो एडिटिंग सीखना है तो देन गाइस, वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देन गाइस, जो हमारा वीडियो है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं जो हमारा Autodesk स्केच बुक है, देन उसको हम लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन कर लेने के बाद देन गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये वाला बैकग्राउंड मिल जाएगा। देन उस बैकग्राउंड को आप लोग नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। देन ओके गाइस, तो बैकग्राउंड को हम लोगों को ले लेने के बाद देन गाइस, फाइनली जो हमारा मॉडल का कटआउट किया है, देन उसको हम लोगों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए फाइनली आप लोगों को यहाँ जाना होगा कैंची वाले ऑप्शन पे। कैंची वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को शो रहा होगा इनपुट इमेज का ऑप्शन, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। फाइनली जो आप लोगों का मॉडल का कटआउट है, उसको आप लोगों को उसके बाद यहाँ से ऐड कर लेना है। तो फाइनली गाइस, यहाँ देख सकते हो जो हमारा मॉडल है, देन उसको हम लोगों ने ऐड कर लिया। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देख सकते हो सेम टू सेम यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट होके यहाँ बैठ चुका है जो हमारा मॉडल है। देन उसके बाद यहाँ फाइनली हम लोग को यहाँ से कर लेना है इसको राइट पे क्लिक। देन ओके गाइस, राइट कर लेने के बाद देन गाइस, सबसे पहले जो हमारा मॉडल क्या है, केप और जो मॉडल का ड्रेस है, देन उसको हम लोगों को कलर चेंज करना है। तो इसके लिए देन गाइस, आप लोगों को जाना हो गया फाइनली अपना ये वाला ऑप्शन है, देन इस पर जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है। देन ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो आप लोगों को शो रहा होगा प्लस वाला आइकन, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को चले जाना है सीधा सीधा यहाँ ब्रश वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को कौन सा ब्रश लेना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो देन गाइस, यहाँ आप लोगों को लेना है ए वाला ब्रश। यहाँ देख सकते हो सेटिंग में इसका कुछ भी नहीं रहता गाइस, यहाँ देख सकते हो फाइनली ओपेसिटी अपना 93% है। देन लाइब्रेरी पे क्लिक करके आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद फाइनली गाइस, आप लोगों को यहाँ से एक कलर चूज करना है। देन आप लोग जो भी अपना मॉडल का शर्ट का कलर रखना चाहते हो उस हिसाब से, ठीक है। तो देन गाइस, आप लोग कलर वाले ऑप्शन पे आओगे तो आप लोगों को कुछ ही टाइप का इंटरफेस होगा। तो देन गाइस, यहाँ मेरे को कलर चूज करने के लिए ए वाला ऑप्शन है, देन इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से कलर लेता हूँ। यहाँ देख सकते हो आप लोगों को कुछ इस टाइप का कलर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो जहाँ से भी ले सकते हो। तो देन गाइस, ये मेरे को बेस्ट लगता है तो मैं यहीं से लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ आप लोग अपने हिसाब से कोई भी चूज़ कर लेना। देन मैं अपना ये वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको चूज़ कर लेने के बाद देन गाइस, आ जाएंगे बैक, जो अपना मॉडल का ड्रेस है उस पर हम लोग कुछ इस टाइप से पेंट करेंगे। तो देन गाइस, जो हमारा ब्रश का साइज है यार, उसको हम लोग इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ जल्दी जल्दी से पेंट कर लेते हैं। उसके बाद देन गाइस, मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो फाइनली गाइस, इस तरह से आप लोगों को पेंट कर लेना है, ठीक है। पेंट कर लेने के बाद आफ्टर ऑल आप लोगों को जाना होगा फाइनली गाइस, अपना ए वाला ऑप्शन है, देन इस पे जाने के बाद देन गाइस, यहाँ आप लोगों को जो एम्प्टी लेयर क्रिएट किए हैं, देन उस पर आप लोगों को फाइनली क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस, आप लोगों को कुछ ही टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ आप लोगों को क्लिक कर लेना है ब्लाइंड पे, देन उसके जगह आप लोगों को यहाँ से कर लेना है सॉफ्टर लाइट पे क्लिक। फाइनली आप लोगों का ड्रेस का कलर उसके बाद कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देन ओके गाइस, तो देन यहाँ आप लोग कलर चेंज करना चाहते हैं देन गाइस अपना ड्रेस का, तो यहाँ फाइनली आप लोगों को फिर से इस पर क्लिक कर लेना है। जो आप लोगों ने एम्प्टी लेयर क्रिएट किया है, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को शो हो रहा होगा, देख सकते हो एडजस्ट, देन उस पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस टाइप से अपना जो शर्ट का कलर, उसको आप लोग चेंज कर सकते हो। तो देन गाइस, मेरे को चेंज नहीं करना है फाइनली, ये वाला मेरे को बेस्ट लग रहा है, तो देन मैं ही रखूँगा। देन उसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे डन, ठीक है। डन कर लेने के बाद देन गाइस, अब जो हमारा केप है, देन उसको हम लोग कलर करेंगे, ठीक है। कलर करने के लिए देन गाइस, फिर से जाएंगे यार हम लोग अपना ये वाला ऑप्शन है, देन इस पे जाने के बाद फाइनली फिर से हम लोगों को यहाँ प्लस वाला आइकन है, देन उस पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेना है। एम्प्टी लेयर क्रिएट कर लेने के बाद देन गाइस, जो एम्प्टी लेयर क्रिएट किए हैं, देन उस पर हम लोगों को फाइनली क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप लोगों को फिर से इसको कर लेना है सॉफ्ट लाइट पे क्लिक। देन उसके बाद आप लोगों को फाइनली गाइस, फिर से जाना होगा कलर वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ आप लोग अपने हिसाब से कलर ले लेना। तो देन गाइस, हम लोग अपना मिलता जुलता कुछ इस टाइप का कलर लेंगे, ठीक है, ताकि जो हमारा केप है वो अच्छा लगे। तो देन गाइस, हम लोग कुछ इस टाइप से इसको अच्छे से यहाँ पेंट कर लेते हैं। हाँ ओके गाइस, तो यहाँ देन गाइस, मैं वीडियो को भी यहाँ भी थोड़ा सा फास्ट कर लूँगा ताकि आप लोग भी अच्छे से सीख जाओ और कम समय में भी सीख जाओ। आफ्टर ऑल गाइस, यहाँ देख सकते हो पेंट कर लेने के बाद आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा यार। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है गाइस, सीधा सीधा आप लोगों को जो अपना मॉडल का केप और सेट है, देन उसको आप लोगों को मैच करना है, ठीक है। तो फाइनली गाइस, जो हमारा मॉडल का यहाँ शर्ट का डुप्लीकेट और बनाए हैं लेयर और केप का लेयर बनाया है, देन उसको हम लोग को पहले मर्ज करना होगा। तो इसके लिए आप लोगों को फिर से जाना होगा ये वाला ऑप्शन है, देन इस पर जाने के बाद देन गाइस, आप लोगों ने जो
एम्प्टी लेयर क्रिएट किया है, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को मर्ज ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। मर्ज कर लेने के बाद देन गाइस अब क्या करना है, जो हमारा मॉडल का शर्ट और जो हमारा मॉडल का कैप है देन इसको हम लोग को बैकग्राउंड पे मैच करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को देन गाइस फिर से जाना होगा अपना ए वाला ऑप्शन है, देन इस पे जाने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ प्लस वाला आइकन शो रहेगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ से आप लोगों को जो अपना ब्रश है उसको चेंज करना है, तो फाइनली ब्रश पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को एक ब्रश लेना है, ठीक है, देन ए वाला ब्रश। तो इसको ले लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को इसका सेटिंग भी दिखा देता हूँ, सेटिंग कुछ नहीं रहता यार। देन यहाँ देख सकते हो आप लोगों को ये वाला ब्रश लेना है। फाइनली आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, देन ओके गाइस। उसके बाद क्या करना है, देन आ जाएंगे बैक। बैक आ जाने के बाद यहाँ फाइनली आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा बिंदी का, देन उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन यहाँ आप लोगों को ये वाला को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को इसके साइड को कुछ इस टाइप से लेके छोड़ देना है अपने बैकग्राउंड पे। मॉडल को करना है जूम। फाइनली ब्रश के साइज को करना है इंक्रीज। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्रश को चलाना है। फाइनली गाइस उसके बाद आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा यार। देन उसके बाद क्या करना है, अब बच गया है जो हमारा फेस है उसको स्मूथ करना। तो फाइनली उसके लिए मैं आप लोगों को एकदम ओपी ब्रश बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप लोगों का जो फेस है वो प्रोफेशनल तरीके से स्मूथ होगा। ब्रश का निशान आप लोगों को मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो ब्रश का निशान है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो देन इसके लिए हम लोगों को फिर से जाना होगा अपना ये वाला ऑप्शन है, देन इस पे, ठीक है। इस पे जाने के बाद देन गाइस अब क्या करना होगा, यहाँ से जो हमारा मॉडल है देन उस पर हम लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद देन आ जाएंगे बैक। बैक आ जाने के बाद देन यहाँ आप लोगों को जाना होगा ब्रश वाले ऑप्शन पे। ब्रश वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद देन गाइस यहाँ से आप लोगों को लेना है ए वाला ब्रश। यहाँ देख सकते हो इसका सेटिंग भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चाहे तो गाइस आप लोग इसका सेटिंग को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ देख सकते हो साइज़ का आप लोगों को अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ाते घटाते रहना है। जो दूसरा वाला 1% रखना है, तीसरा वाला को 10%। देन लाइब्रेरी पर क्लिक करके आ जाएंगे यार बैक। उसके बाद देन गाइस जो आप लोगों का मॉडल है कुछ इस टाइप से जूम करना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ ब्रश को साइज़ का आप लोगों को कुछ ही टाइप से इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को कुछ ही टाइप से ब्रश को चलाना है, ठीक है गाइस। यहाँ देख सकते हो मैं किस टाइप से चला रहा हूँ। फाइनली गाइस आप लोगों को पहले इस टाइप से चलाना है ब्रश को, देन उसके बाद आप लोगों को इस टाइप से चलाना है। कभी भी नहीं आएगा गाइस आप लोगों का जो ब्रश का निशान है कुछ इस टाइप से आप लोग ब्रश को चलाओगे तो। तो देन यहाँ मैं जल्दी जल्दी से अपना मॉडल का फेस यार फाइनली उसको स्मूथ कर लेता हूँ, देन ओके गाइस। ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप लोग अच्छे तरीके से अपना जो फेस है उसको स्मूथ कर सकें। तो फाइनली गाइस यहाँ देख सकते हो यार मैं किस टाइप से जो अपना मॉडल का फेस है उसको स्मूथ कर रहा हूँ। देन गाइस आप लोग भी कुछ इस टाइप से स्मूथ कर लेना। तो देन गाइस यहाँ देख सकते हो कितना ही प्रोफेशनल तरीके से जो हमारा मॉडल का फेस है उसके बाद स्मूथ हो जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे यार, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देन ओके गाइस। तो आप लोग गाइस यहाँ देख सकते हो स्मूथ करने के बाद जो हमारा पीके कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ फाइनली आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है गाइस, सीधा सीधा इस फोटो का आप लोगों को यहाँ 3 डॉट पे जाके कर लेना है सेव। देन इसका बाकी का काम करेंगे गाइस हम लोग अपना स्नैपशीट के अंदर। सो गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा स्नैपशीट है देन ओपन हो चुका है। देन उसके बाद आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। तो देन यहाँ आप लोगों को प्लस वाला आइकन शो रहेगा, देन उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद देन गाइस जो आप लोगों ने अपना मॉडल को अभी सेव किया है देन इस वाले मॉडल को आप लोगों को यहाँ ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड कर लेने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा मॉडल के ड्रेस और यहाँ देख सकते हो कैप है देन उस पर हम लोगों को कलरिटी ऐड करना है। तो फाइनली उसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ आप लोगों को जाना होगा टूल्स वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ से ले लेना है आप लोगों को सेलेक्टिव टूल्स, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों का जो मॉडल के सेट है उस पर कुछ इस टाइप से रख लेना है। रख लेने के बाद देन यहाँ से आप लोगों को जो कंट्रास्ट है उसको इंक्रीज कर लेना है। देन सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेना है। देन ये वाला जो तीसरा है उसको भी आप लोगों को कुछ टाइप से इंक्रीज कर लेना है। तो फाइनली गाइस आप लोगों को ये वाला प्रोसेस को यहाँ कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद देन गाइस अब क्या करना होगा, जो हमारा मॉडल का यहाँ फेस पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे भी हम लोग कुछ टाइप से टाइप कर लेंगे। देन ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, कंट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज करेंगे, यहाँ सेचुरेशन थोड़ा सा हम लोग डिक्रीज करेंगे फाइनली, ठीक है। उसके बाद देन यहाँ आप लोगों का चौथा वाला है, देन उसको आप लोगों को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। फाइनली गाइस उसके बाद आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा। देख सकते हो कितना औसम तरीके से लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है यार, सीधा सीधा इस फोटो को आप लोगों को यहाँ अपना एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन यहाँ देख सकते हो वहाँ पर जाके इसको कर लेना है सेव। देन इसका कलर रिट्रेसिंग करेंगे गाइस हम लोग अपना लाइट रूम के अंदर।
सो फाइनली कैसे यहाँ देख सकते हो यार, जो हमारा मॉडल देन उसको हम लोगों ने अपने लाइटरूम के अंदर फाइनली ऐड कर लिया है। ऐड कर लेने के बाद देन गाइस सबसे पहले जो हमारा मॉडल का फेस है देन उसको हम लोग को ब्राइट करना है। तो इसके लिए आप लोग को जाना होगा यहाँ फाइनली कलर वाले ऑप्शन पे, देन यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा मिक्सर टूल, देन उस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। जो फर्स्ट वाला कलर है उसका लुमिनेंस इंक्रीज करना है, दूसरा वाला कलर का भी लुमिनेंस इंक्रीज करना है, आप टोल कुछ इस टाइप से सेचुरेशन डिक्रीज कर लेना है, देन हुई को आप लोगों को अपने हिसाब से यहाँ चेंज करके देख लेना है। फाइनली हम लोग इसको यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, हुई को जो अपना पहला वाला कलर है देन इसका हुई को आप लोगों को यहाँ चेंज करके देख लेना है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। देन यहाँ हम लोग -17 रखेंगे, सेचुरेशन को यहाँ हम लोग डिक्रीज या इंक्रीज करके देख लेते हैं, तो यहाँ -14 रखेंगे, ठीक है। फाइनली उसके बाद क्या करना है, आप लोगों का जो बैकग्राउंड के कलर है उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ कलर एडजस्ट करना है। यहाँ देख सकते हो मेरा जो कलर है उस हिसाब से यहाँ मैं कलर ले रहा हूँ, तो देन अपना ये वाला कलर है इसका हुई को हम लोग चेंज करेंगे। तो देन गाइस यहाँ देख सकते हो जो हमारा बैकग्राउंड है किस टाइप से चेंज हो रहा है। तो फाइनली गाइस इसका हम लोग हुई को यहाँ माइनस करेंगे यार फाइनली 33%, ठीक है। सेचुरेशन यहाँ इंक्रीज करेंगे लगभग 21%, लुमिनेस इंक्रीज करेंगे 15%, देन अपना ये वाला कलर है इसका भी हुई को यहाँ माइनस करेंगे, सेचुरेशन इंक्रीज लुमिनेस इंक्रीज। डन कर लेने के बाद देन गाइस यहाँ आप लोगों को जाना होगा सीधा सीधा इफेक्ट टूल पे, ठीक है। यहाँ आप लोगों को अपने हिसाब से क्लैरिटी बढ़ा लेना है, तो देन हम लोग यहाँ 11% बढ़ाएंगे, डीएस को बढ़ाएंगे लगभग 4%, बिगनेट करेंगे माइनस यहाँ लगभग 10%, देन उसके बाद आ जाएंगे डिटेल पे, शार्पनेस को हम लोग यहाँ बढ़ा लेंगे लगभग 92 से 80% के आसपास, तो यहाँ हम लोग रखेंगे अपना 88%। ओके गाइस यहाँ उसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ मास्किंग थोड़ा इंक्रीज करना है, नॉइस सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करना है, कंट्रास्ट थोड़ा इंक्रीज करना है, कलर नॉइस सैचुरेशन इंक्रीज करना है, डिटेल फुल कर लेना है। आप लोग उसके बाद यहाँ देख सकते हो आप लोगों का पिक कुछ इस टाइप से दिखने लगेगा, ठीक है। तो देन गाइस यहाँ जो हमारा बैकग्राउंड का कलर है उसको हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम लोग फिर से जाएंगे अपना यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे, कलर वाले ऑप्शन पे आ जाने के बाद यहाँ सेचुरेशन और यहाँ वाइब्रेंस दोनों को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देन आ जाएंगे मिक्सर टूल पे, जो अपना ये वाला कलर है उसका हुई को हम लोगों को फाइनली चेंज करना है आफ्टर ऑल कुछ इस टाइप से। तो देन गाइस ये वाला मेरे को बेस्ट लग रहा है, तो देन ये वाला मैं रख लूंगा, देन ओके गाइस। उसके बाद जो अपना ये वाला कलर है उसका भी आप लोग को हुई को यहाँ देख सकते हो कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से, तो देन इसका भी हम लोग को हुई को माइनस करेंगे, सेचुरेशन थोड़ा इंक्रीज करेंगे, देन जो अपना ये वाला कलर है इसका भी माइनस करेंगे, सेचुरेशन इंक्रीज करेंगे। आफ्टर ऑल गाइस यहाँ देख सकते हो बिफोर इन आफ्टर, जो हमारा कॉन्सेप्ट है यार बनकर रेडी हो चुका है।